सो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेम के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई चीज है हमारे BGMI या फिर पबजी के अंदर, वो है हमारा क्लोज रेंज। और क्लोज रेंज जिस प्लेयर ने सीख लिया उस प्लेयर को हमेशा ऑफर्स आते रहते हैं टीम के लिए, हमारी टीम ज्वाइन कर लो, आपका क्लोज रेंज अच्छा है, तो उस प्लेयर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। बिकॉज क्लोज रेंज हर प्लेयर का अच्छा नहीं होता है, हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स भी हैं उनमें से भी 30 या फिर 40% प्लेयर्स का ही क्लोज रेंज अच्छा होगा, बाकी की स्ट्रेटजीज वगैरह बहुत अच्छी है। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, अगर आपका क्लोज रेंज अच्छा नहीं है या फिर आपका हिप फायर अच्छा नहीं है, तो वो टिप्स आप यूज करके अपने क्लोज रेंज को इंप्रूव कर सकते हो। और ये काफी ज्यादा यूनिक टिप्स होने वाली है जिसको आप यूज करके काफी अच्छी तरह अपना जो क्लोज रेंज उसको इंप्रूव कर सकते हो। सो गाइस मेक श्योर करना वीडियो को पूरा एंड तक देखो और लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस नंबर वन पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्टॉप यूजिंग AKM बैरल M762 जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारी MK14 होगी, इस तरह की वेपन्स को यूज करना बंद कर दो। बिकॉज इनका डैमेज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इनका हिप फायर कंट्रोल करना। एकदम चिपक जाएगा आपके सामने बंदा तब तो आप बुलेट्स कनेक्ट कर लोगे, लेकिन थोड़ा मिड रेंज वाला हिप फायर आ जाएगा वहां पे आपकी एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं करने वाली है अगर आपका क्लोज रेंज अच्छा नहीं है। सो इनका जो हिप फायर है उसको मास्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। सो गाइज इन वेपन्स को यूज करना बंद कर दो अगर आप मतलब इंप्रूव करना चाहते हो अपना क्लोज रेंज। और काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसी सजेशन है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो गाइज सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 7 वाली वेपन्स यूज नहीं करनी है, जैसे हमारी AKM होगी या फिर बैरल होगी। तो यहाँ पॉइंट आ जाता है कि कौन से वेपन्स हमें यूज करने चाहिए क्लोज रेंज के अंदर। सो गाइज आपको टोटली शिफ्ट कर देना चाहिए SMGs के ऊपर। देखो अगर आप लोगों का हिप फायर अच्छा नहीं है तो मैं आपको 100% आंख बंद करके आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को हमेशा के लिए SMG पे शिफ्ट हो जाना चाहिए जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो अपने हैवी वेपन से जो 7 वाले उनके लिए। बिकॉज क्या होता है जो हमारी SMGs होती है ना ये प्रॉपरली बनी होती है हमारे क्लोज रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज वाली फाइट्स के लिए। तो इनका जो हिप फायर स्प्रेड होता है ना वो सबसे ज़्यादा कम होता है हमारी गेम के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका हिप फायर स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप क्राउच करके मारोगे ना तो आप 50 मीटर्स तक सामने वाले बंदे को बुलेट कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज इनके ऊपर शिफ्ट कर दो, बिकॉज क्या होगा इनकी बुलेट्स हमेशा चिपकती हैं सामने वाले बंदे को क्लोज रेंज के अंदर, ये इनकी खासियत है। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट फायरिंग रेट होता है इनका, आपको लगेगा कि इनका डैमेज कम है लेकिन इनका जो फायरिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा लॉबी में एंटर करने से पहले कभी कभी वो लाइंस लिखी आती है ना पबजी की तरफ से, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ पक्का देखी होगी कि वो उजी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि क्लोज रेंज में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट वेपन है उजी। बिकॉज इसीलिए क्योंकि उसका बुलेट फायरिंग स्पीड इतना ज़्यादा है, आपको ये वाले जो वेपन्स हैं उजी होगी हमारी थॉम्सन होगी पे एक्सटेंड मैग लगा के आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर हमारी UMP वगैरह होगी उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा अपने हिप फायर के अंदर। सो गाइस थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं जो हमारे स्टैट्स में हमारी एक्यूरेसी आती है वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं भाई मेरी एक्यूरेसी इतनी कम है, ये घटिया प्लेयर है, इसकी एक्यूरेसी कम है। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप जितनी भी बुलेट्स फायर कर रहे हो, चाहे प्री फायर कर रहे हो या रैंडम शॉट्स ले रहे हो, तो वो भी आपकी एक्यूरेसी को है वो रिड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ पे कभी मत जाना, उसको देख के कभी किसी प्लेयर की एक्यूरेसी को जज मत करना। तो यहीं पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी सामने बंदों के ऊपर मत घुसो, जितना ज़्यादा प्री फायर कर सकते हो करो, जितनी बुलेट वेस्ट कर सकते हो प्री फायर के अंदर करो। बिकॉज जब आपकी प्री फायर की सेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना, आप एकदम से मतलब बोल रहा हूँ ना OG प्लेयर बन जाओगे, खतरनाक प्लेयर बन जाओगे, आपको क्लोज रेंज के अंदर कोई नहीं हरा पाएगा। बस आपको जिस दिन फ्री फायर की नॉलेज आ गई, मुझे फ्री फायर कहाँ करना है, कितने टाइम पहले करना है, ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप किसी भी प्लेयर को क्लोज रेंज के अंदर हरा सकते हो। बिकॉज 50% क्लोज रेंज के अंदर जो गेम होती है कवर वाली, उसमें आपका प्री फायर मैटर करता है। सो गाइज ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जितना प्री फायर हो सकता है उतना ज़्यादा प्री फायर को यूज़ करो, अपनी एक्यूरेसी की तरफ मत जाओ, जो आपको स्टैट्स में दिखती है वो रियल एक्यूरेसी नहीं होती है। सो हमेशा प्री फायर करते रहो, चाहे आपको जितनी मर्जी बुलेट वेस्ट करनी पड़े क्लोज रेंज। मेक श्योर करना अपने कानों को भी भाई थोड़ा सा साफ रखा करो, इतने ज़्यादा गंदे कर देते हो कि कुछ सुनाई नहीं देता, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टे क्लीन स्टे हाइजीन, मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं गेम के अंदर, बिकॉज सुनाई नहीं देगा भाई, इतना गंद भर के रखोगे अपने कान के अंदर तो कैसे सुनाई देगा। सो गाइज ईयरफोन जितने मर्जी अच्छे हो, कान के अंदर आपने गंद नहीं रखना है। सो यही थी इंपॉर्टेंट टिप्स, आई होप आप सबको टिप्स पसंद आई होगी। और मैं एक लाइफ में काफ़ी डिफिकल्ट फेज से जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी ज़्यादा अच्छे से नहीं निकल रही है। सो प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई फैमिली, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी डीप लॉस। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। हाय गाइस, माय नेम इज किलिन एंड आई एम अ किलिंग मशीन।